हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर में चैप्टर 10, दैट इज़ नाउन क्लॉजेस। क्लॉजेस क्या होते हैं? क्लॉजेस होते हैं अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट मेक्स सेंस एंड इट हैज़ अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। ठीक, यानी कि एक सेंटेंस का वो पार्ट जिसमें ना सब्जेक्ट भी होगा और वर्ब भी होगा। ठीक है, which makes sense, जिसका कोई meaningful sense भी बनता होगा। ठीक, अब आइए देखते हैं what are noun clauses। noun clause क्या होते हैं? A noun clause is used like a noun। noun की जगह पे noun clause, यानी कि एक word में ना बताते हुए हम उसको group of words में explain कर रहे हैं। except that it has a subject and verb, और इसमें subject भी होता है और verb भी होता है। तो इसके कुछ examples देख लेते हैं। What I choose to read is my business। तो क्या हो गया, What I choose to read, अब इसकी जगह हम one word में noun भी दे सकते थे कि जैसे science is my business या fiction या हिंदी या literature। What I choose to read, I choose to read, let us say literature। तो ये हो जाता है What I choose to read, ये हो गया subject। ठीक है, और क्योंकि ये एक clause है, so we can say this is a noun clause with I as its subject and choose as its verb। तो यहाँ पर subject भी है और verb भी है। I हो गया subject, choose हो गया verb। ठीक, इस तरह से noun clause हम identify कर सकते हैं एक sentence में। Noun clauses also work as complement। Complement क्या होते हैं? Complement is again a group of words जो complete करते हैं sentence को। Rahul isn't someone who you would call a friendly person। अब यहाँ देखिए, एक पहचान होती है कि जितने भी clauses होंगे, relative pronouns हैं, जैसे that, which, who, whom, whose, that, whoever, whomever, whatever, whichever, whether, if, who, what, how, how, if, when, whenever, where, whether, why, ये जितने words हैं ये होते हैं connectors for noun clauses। इनसे start जहाँ पे जो एक group of words होगा या clause है, इसको हम कहेंगे noun clause। जैसे आपने अभी यहाँ देखा, who you would call a friendly person, तो यहाँ पे who से start हो रहा है। who join कर रहा है, Rahul isn't someone who You would call a friendly person। ठीक है, तो यहाँ पे connect कर रहा है कौन? Who। और answer में क्या है? Who you would call। ठीक, तो subject क्या हो गया? You, और call हो गया verb। ठीक, okay, next example देखते हैं। Noun clauses as object, okay। He said that he was happy। तो that देखिए इसमें आता है, आता है, ये रहा दैट। इसका मतलब सेंटेंस में नाउन क्लॉज कहाँ से स्टार्ट होगा? दैट ही वॉज हैप्पी। ठीक है, नाउ ही हो गया सब्जेक्ट, वॉज आ जाता है ऑक्सिलरी वर्ब, तो ये हमारा बन गया नाउन क्लॉज। ओके, आगे देखते हैं। नाउन क्लॉजेस एज ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्रेपोजिशन, जैसे आई रीड एन एक्सेलेंट बुक अबाउट What Gandhi ji did in Africa। तो इस sentence में I read an excellent book, ये अपने आप में ही एक sentence है, complete sentence है, but इसको यहाँ से कौन connect कर रहा है? About what। ठीक, तो the portion about what Gandhi ji did in South Africa, what Gandhi ji did in South Africa, यहाँ से ले लीजिए about से, ये क्या हो गया? ये compliment हो गया। ओके, उसको आगे देखते हैं। गिविंग मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट व्हाट आई रीड, अब हमें ये देखना है इसमें नाउन क्लॉज क्या है। ठीक, तो अबाउट, इसमें नाउन क्लॉज हो गया ये अबाउट व्हाट गांधी जी डिड इन साउथ अफ्रीका, इसमें हो गए गांधी जी एज द सब्जेक्ट और डिड हो गया वर्ब। तो क्या हो गया इसमें हमारा नाउन क्लॉज? About what Gandhi ji did in South Africa।
ओके आगे देखते हैं. ओ नाउ वी हैव अ क्वेश्चन. आइडेंटिफाई द नाउन क्लॉजेज एंड सर्कल द मेन वर्ब्स इन द सेंटेंसेस. ठीक है, तो अब इसमें हमें आइडेंटिफाई क्या करना है, नाउन क्लॉज, और इसमें मेन वर्ब हमको बताना है. ठीक, ओके. नाउ आई डोंट नो वट रॉब वॉज डूइंग इन दैट रूम. तो कहाँ से हो गया नाउन क्लॉज, हम अंडरलाइन करेंगे नाउन क्लॉज को और सर्कल करेंगे मेन वर्ब को. लेट मी डिक्रीज द साइज ऑफ माई पेन. तो आई डोंट नो वॉट, तो यहाँ वॉट से जितना सेंटेंस बनेगा ये पूरा हो गया हमारा नाउन क्लॉज. और सर्कल द मेन वर्ब, सर्कल द मेन वर्ब क्या है हमारा मेन वर्ब, डूइंग. ठीक है, ओके. नेक्स्ट, आई थिंक दैट ही इज गोइंग टू बी प्रेजेंट एट द मीटिंग. तो ये हो गया हमारा नाउन क्लॉज. और गोइंग टू बी प्रेजेंट, तो गोइंग हो जाएगा हमारा वर्ब. श्रुति आस्क्ड मी इफ आई वॉज गोइंग टू कम ओवर. ठीक, अगेन गोइंग हो जाएगा हमारा मेन वर्ब. नाउ दैट हार्ड वर्किंग पीपल डू नॉट गेट रिकग्नाइज्ड इज अ सैड ट्रूथ. तो यहाँ से दैट हार्ड वर्किंग पीपल डू नॉट गेट रिकग्नाइज्ड ये हो जाता है हमारा क्लॉज, नाउन क्लॉज. और इसमें वर्ब क्या होगा, डू नॉट गेट रिकग्नाइज्ड. ठीक, ये हो गया हमारा मेन वर्ब. नेक्स्ट, आई ऑलवेज न्यू आई वॉज गोइंग टू स्केल माउंट अन्नपूर्णा वन डे. आई ऑलवेज न्यू, यहाँ से जितना सेंटेंस ये आ गया ये हो गया हमारा क्लॉज. और गोइंग टू स्केल विल बी आर वर्ब. वेयर इज द प्लेस दैट इज बिल्ट इन गोल्ड. तो क्या हो गया, दैट के आगे से दैट इज बिल्ट इन गोल्ड, ये हो गया हमारा नाउन क्लॉज. और वर्ब हो गया बिल्ट. हिज फादर डजंट नो वॉट ही प्लान्स टू डू. हिज फादर डजंट नो, क्या नहीं जानते, वॉट ही प्लान्स टू डू, ये हो गया हमारा नाउन क्लॉज. और ये हो गया हमारा वर्ब. क्लियर है, कहाँ से वर्ड जहाँ से शुरू हो रहा है हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं पीछे लिस्ट जो हमने अभी पढ़ा था उसकी हेल्प से. प्लीज़ डू वॉट आई आस्क टू. तो ये हो गया हमारा नाउन क्लॉज और आस्क हो गया हमारा मेन वर्ब. दैट ओनली 5% वुमेन परस्यू अ करियर इन साइंस इज डिस्ट्रेसिंग इन्फॉर्मेशन. यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये हो गया यहाँ तक हो गया हमारा नाउन क्लॉज. और वर्ब क्या हो जाएगा, परस्यू अ करियर इन साइंस. आई डोंट थिंक आई नो एनी वन हु हैज़ अ विंटेज वॉच. हु हैज़ अ विंटेज वॉच हमारा हो गया नाउन क्लॉज. एंड हैज़ बन गया वर्ब. ठीक है, ओके, वेरी नाइस. चलिए आगे बढ़ते हैं. समटाइम्स नाउन क्लॉजेस फंक्शन एज एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स. जैसे आई एम हैप्पी दैट ही हैज़ डन सो वेल. अब यहाँ देखिए ये एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कैसे बन गया, क्योंकि क्वालिटी बता रहे हैं उसकी, उसने अच्छा काम किया है इसलिए दैट ही हैज़ डन सो वेल, क्योंकि ये कंप्लीट कर रहा है हैप्पी को. वो क्यों खुश है, बिकॉज उसने अच्छा काम किया है, डन सो वेल. टिक द करेक्ट आंसर्स. आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ द नाउन क्लॉज इन दिस सेंटेंस. पहला देखिए, इफ दिस इज योर डिसीजन देन आई एम गोइंग टू सपोर्ट यू. सॉरी, आई एम नॉट गोइंग टू सपोर्ट यू. तो यहाँ पर हमारा ये हो गया हमारा नाउन क्लॉज. अब आप ये बताएं कि ये किसकी तरह से एक्ट कर रहा है. जैसे ये है ऑब्जेक्ट ऑफ क्लॉज, सब्जेक्ट ऑफ क्लॉज या कॉम्प्लीमेंट टू इफ. ऑफ कोर्स दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट टू इफ. ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं.
आइडेंटिफाई द नाउन क्लॉज इन दीज सेंटेंसेस. जैसे आई हैव ईटन टू मच, व्हाट आई नीड टू डू इज टू हिट अ जिम, आई विल साइन अप फॉर वन राइट अवे. आइडेंटिफाई द नाउन क्लॉज. अब देखिए, व्हाट आई नीड टू डू इज टू हिट अ जिम, व्हाट आई नीड टू डू, आई हैव ईटन टू मच, व्हाट आई नीड टू डू. क्योंकि इसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है. ठीक है, ओके. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ द नाउन क्लॉजेस इन दीज सेंटेंसेस. अब इनमें बताइए किसकी तरह एक्ट कर रहे हैं नाउन क्लॉजेस. थैंक यू फॉर बीइंग देयर ऑन टाइम, आई एम ग्लैड वी हैव समवन लाइक यू ऑन द टीम. तो सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि नाउन क्लॉज है क्या. थैंक यू फॉर बीइंग देयर ऑन टाइम, आई एम ग्लैड वी हैव समवन लाइक यू इन द टीम. ठीक है, सो इट इज़ लाइक यहाँ से आ जाएगा नाउन क्लॉज. ये किसकी तरह काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट ऑफ क्लॉज. देर इज़ नो नाउन क्लॉज इन द सेंटेंसेस और कॉम्प्लीमेंट टू ग्लैड. दिस इज कॉम्प्लीमेंट टू ग्लैड. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ द नाउन क्लॉज इन दीज सेंटेंसेस. दिस मोबाइल फोन कैन बी यूज फॉर whatever you manage to do on a personal computer. ठीक है, whatever आया, इसलिए यहाँ पे noun clause ये होगा. और क्या है, whatever you manage to do on the personal computer, ये हो गया. object of clause है, complement to do है, या object of preposition for है. object of preposition है. ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं. आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ द नाउन क्लॉज इन द सेंटेंस. आई नो हाउ ही स्कोर्ड सो वेल. कैसे किया, ही स्टडीड द राइट सपोर्ट बुक्स. तो इसमें नाउन क्लॉज क्या है, इसमें नाउन क्लॉज हो जाएगा ही स्टडीड द राइट सपोर्ट बुक्स. ठीक है, तो ही स्टडीड द राइट सपोर्ट बुक्स क्या हो गया यहाँ पे, कौन सा क्लॉज है, सब्जेक्ट ऑफ क्लॉज, ऑब्जेक्ट ऑफ क्लॉज, या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट है ऑफकोर्स. ठीक, नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द मेन वर्ब इन द सेंटेंस. व्हाट आई फाइंड हॉरिबल इज हाउ ही डूप्ड यंग चिल्ड्रन. अब इसमें मेन वर्ब क्या है, व्हाट आई फाइंड हॉरिबल इज हाउ ही डूप्ड यंग चिल्ड्रन. Find is the main verb here. Identify the function of the noun clause in this sentence. I am unsure if he is going to come. So, I am sure, I am not sure. ये क्या हो जाएगा? This is object of the verb. ठीक है? If he is going to come. Complete कर रहा है? Noun phrase. A noun phrase क्या होता है? A noun phrase like a noun clause is a group of word that works like a noun but does not have subject and a finite verb. ठीक है, अब मान लीजिए कोई phrase दिया हुआ है जिसमें subject नहीं है और उसमें कोई finite verb भी नहीं है, लेकिन वो noun की जगह पर use हुआ है. ठीक है, तो इनको हम कहते हैं नाउन फ्रेज. फ्रेज में क्या होना ज़रूरी नहीं है, वर्ब एंड सब्जेक्ट होना ज़रूरी नहीं है. चलिए क्वेश्चन देखते हैं. लेट अस सी सम एग्जांपल्स फर्स्ट. जैसे नाउन है पीपल, मनी, डिटर्मिनर प्लस नाउन, द विलेज, अ हाउस, अ फ्रेंड्स, दोज हाउसेस, ये सब नाउन फ्रेजेस के एग्जांपल्स हैं. नाउ क्वांटिफायर प्लस नाउन, सम पीपल, अ लॉट ऑफ मनी. Determiner, adjective, noun, our closest friend, a new house. Basically, house को explain कर रहा है, a new house. ठीक, इसलिए adjective भी phrase में ही count होगा. All those children, both of my younger brothers. ठीक, ये सब noun phrase हैं. अब देखिए, यहाँ देखिए, both my parents work in banks. तो ये हो गया, circle करना था, okay. Circle the noun phrases, underline the noun clauses wherever
यू स्पॉट देम. ठीक, तो सर्कल द फ्रेजेस. ठीक, बोथ माई पेरेंट्स, ये हो गया नाउन फ्रेज. वर्क इन बैंक नहीं है. नाउ सम पीपल डू नॉट हैव शेल्टर, तो सम पीपल नेक्स्ट मनी डज नॉट ब्रिंग हैप्पीनेस. तो आप बताएं इसमें कहाँ क्या है, नाउन फ्रेज है या कि नाउन क्लॉज है. क्लॉज तो इसमें है ही नहीं और केवल फ्रेज है. मनी, अ लोफ ऑफ फ्रेश ब्राउन ब्रेड इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉर. अ लोफ ऑफ फ्रेश ब्राउन ब्रेड, ठीक, ये हो गया नाउन फ्रेज और इसमें नाउन क्लॉज दिखाई दे रहा है. इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, ये हो गया नाउन क्लॉज. अभी हमने पढ़ा था इतना सारा. नाउ द यंग बैंकर इन ब्लैक सूट इज माई कजन. तो द यंग बैंकर, ये हो गया नाउन फ्रेज. किसके बारे में बात हो रही, द यंग बैंकर और इन ब्लैक सूट इज माई कजन. ओके, आर क्लोज फ्रेंड हैज गॉन फॉर अ डिफिकल्ट हाइकिंग ट्रिप. आर क्लोज फ्रेंड, ये हो गया हमारा नाउन फ्रेज. हैज गॉन फॉर अ डिफिकल्ट हाइकिंग ट्रिप. ओके, डन. आई हैव अ लॉट ऑफ टाइम ऑन माई हैंड्स. ठीक, आई हैव अ लॉट ऑफ टाइम ऑन माई हैंड्स. अब बताइए इसमें सब्जेक्ट फ्रेज या सब नाउन, सॉरी, इसमें क्या नाउन फ्रेज या नाउन क्लॉज क्या है. आई हैव अ लॉट ऑफ टाइम ऑन माई हैंड्स, नाउन क्लॉज तो इसमें है नहीं, बस सब्जेक्ट आ जाएगा. तो ये हो गया हमारा नाउन फ्रेज. फॉर ईयर्स वी हैड नो इलेक्ट्रिसिटी. ठीक, फॉर ईयर्स वी हैड नो इलेक्ट्रिसिटी. तो ये क्या हो गया, ये हो गया क्लॉज, क्योंकि सब्जेक्ट है, वर्ब है. दैट्स इट. मैनी लाइव्स वर लॉस्ट इन द फ्लड. तो मैनी लाइव्स हो जाएगा नाउन फ्रेज, वर लॉस्ट इन द फ्लड. दैट्स इट. हियर वी कम टू द एंड ऑफ द चैप्टर. आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा. अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताइएगा. आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन. ठीक, अदरवाइज देर आर फिक्स केसेस, उससे आपको समझ में आ जाएगा कहाँ पे नाउन क्लॉजेस कैसे स्टार्ट होते हैं, जॉइन कैसे होते हैं एक सेंटेंस के अंदर. क्लॉजेस में हमेशा ध्यान रखिएगा, नाउन क्लॉजेस के केस में नाउन क्लॉजेस क्या होते हैं. नाउन क्लॉजेस होते हैं अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि नाउन की तरह यूज़ होते हैं. ठीक, नाउन की तरह यूज़ हो रहे हैं, इट कैन बी अ फ्रेज ऑल्सो. फ्रेज में क्या नहीं होता, फ्रेज में ज़रूरी नहीं कि कोई सब्जेक्ट और वर्ब दोनों चीज़ें हों. वेयर एज क्लॉज में सब्जेक्ट भी होगा और वर्ब भी होगा. तो व्हाट यू नीड टू फोकस ऑन इज दिस, इसको ध्यान रखेंगे. जैसे लिखा है रिमेंबर, सो प्लीज़ रिमेंबर दिस थिंग. ओके, चलिए, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. बाय बाय.